भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में संगठन पर्व अभियान चला था। आज से 3 वर्ष पूर्व भी इसी प्रकार का संगठन पर्व का अभियान चला था, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के मिस कॉल के माध्यम से हमने प्रारंभिक सदस्य बनाए थे। आज से 3 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभिक सदस्य मिस कॉल के माध्यम से बने थे। उसके सेकंड फेज में जो हमने अभी कंप्लीट किया है, 7 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभिक सदस्य और बने हैं। इस प्रकार पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ से अधिक प्रारंभिक सदस्य हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल पहले भी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना था, और आज भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। और जिस प्रकार का आम जन में एक उत्साह था भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, वो इस वातावरण में हमें देखने को मिला। और उसका एक ही कारण था कि जिस प्रकार से हमारी सरकार, हमारी पार्टी इस राष्ट्रीयता को लेकर के आगे बढ़ रही है, और आम जन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पसंद कर रहा है। आज 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभिक सदस्य भारत देश में पूरे भारतवर्ष में हमारे बने हैं। अभी हम हमारे संगठन का चुनाव करवाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ पे पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तरीके से संगठन का चुनाव होता है। सबसे पहले हमारे बूथ इकाई का चुनाव होगा, उसके बाद मंडल इकाई का चुनाव होगा, मंडल इकाई के बाद हमारे जिले का चुनाव होगा, जिले के बाद हमारा प्रदेश का चुनाव होगा, और प्रदेश के बाद हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे चुनाव होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो केवल मात्र लोकतांत्रिक तरीके से अपने चुनाव संपन्न कराता है। बाकी पूरे देश में एक भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो लोकतांत्रिक तरीके से संगठन के चुनाव कराए, बल्कि परिवारवाद में हर राजनीतिक दल फंसा हुआ है। कांग्रेस से लेकर के सपा, बसपा, तृणमूल, जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं पूरे देश में, एक भी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं कराता। ये केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो लोकतांत्रिक तरीके से अपने चुनाव कराता है। हाँ, लोकतांत्रिक तरीके के साथ साथ हम अनुशासन भी इस चुनाव के प्रक्रिया के माध्यम से रखते हैं। कितना प्रोसेस चलेगा, कितने समय तक ये चुनाव चलेगा? ये दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। विभिन्न विभिन्न फेजेस हैं इसमें। राजस्थान का अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा, तो नया अध्यक्ष नहीं आ पा रहा, क्या? देखिए, अभी चुनाव हो रहे हैं ना, अभी इस चुनाव के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। काफी लंबा समय हो गया है, देखिए अभी चुनाव हमारे ड्यू थे, अभी हमारे चुनाव ड्यू, पहले नॉमिनेट करते थे, अभी हमारे चुनाव ड्यू थे। तो ये चुनाव मैं समझता हूँ ये अपने नवंबर एंड में पूरा चुनाव कंप्लीट हो जाएगा हमारे। सर, अपने जिला स्तर पे पदों में बदलाव किया है, या महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने का प्रयास? बिल्कुल, महिलाओं की हमने सहभागिता हमने बढ़ाई। देखिए, लोकल बॉडी के चुनाव जो हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। कांग्रेस ने तो अभी बहुत प्रयास किया और उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, जो उन्होंने अभी डिलिमिटेशन किया, जबकि 2014 में 2011 की जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन हो चुका था। वापस 2011 की जनसंख्या के आधार पर दोबारा डिलिमिटेशन करने की क्या आवश्यकता थी? ये कांग्रेस इस समय बिल्कुल बौखलाई हुई है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। अब कांग्रेस किसी भी प्रकार से पूरा अपना सत्ता का दुरुपयोग करके वो सत्ता में आने चाहती है, नगर पालिकाओं की, नगर परिषद की। परंतु इस बार देश की जनता ने, राजस्थान प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि कांग्रेस को मुक्त करना है यहाँ से। आप देखिए, पिछले राजस्थान प्रदेश में पिछले 8 महीने से सरकार चल रही है, कहीं आपको सरकार नजर आ रही है? सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, उनके मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते, सबसे अधिक भ्रष्टाचार राजस्थान प्रदेश में हो रहा है। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि पुलिस में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है,
उसके पास तो उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे अधिक भ्रष्टाचार बताया है। ये क्या चल रहा है? राजस्थान में केवल मात्र भ्रष्टाचार चल रहा है, विकास का काम रुका हुआ है, आए दिन कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, चोरी की डकैतियां हो रही हैं, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, विकास नाम की कोई चीज नहीं रही है। तो राजस्थान प्रदेश की जनता तो 8 महीने में ही इस कांग्रेस से त्राही त्राही कर रही है। इसलिए नगर पालिका और नगर निगम में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पूरे पक्ष में परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शिक्षा की वैधता जो समाप्त की है कांग्रेस ने, इससे क्या बीजेपी को नुकसान होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से अनपढ़ व्यक्ति भी सामने आएगा चुनाव, सरपंच वगैरह चुनाव में, क्या उससे? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे ने बड़ा एक ऐतिहासिक कदम पिछली बार उठाया था, हमने उसमें शिक्षा की बाध्यता रखी थी। और आपने देखा होगा MBA BA MCOM पास सरपंच बने हैं। जब पढ़े लिखे लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे, सरपंच बनेंगे, मेयर बनेंगे, तो निश्चित रूप से वो अच्छा काम कर पाएंगे। आपने देखा होगा पिछली बार जो सरपंच बने उसमें युवा कितने थे। ये कांग्रेस नहीं चाहती कि युवा आगे बढ़े, इसलिए कांग्रेस बाध्यता को खत्म किया है, हम उसका विरोध करते हैं। सर, गृह मंत्री जी का भी कार्यक्रम बन रहा है, तो क्या कोई अधिकारी पार्टी की ओर से कोई इस तरीके की सूचना है या कब तक पहुंचने का? नहीं, अभी तक हमें कोई आधिकारिक रूप से सूचना नहीं है।